अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ मलबारी ऑल कुर्ला कमेटी से। हम लोग यहाँ कपाड़िया नगर में आए हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन जैसे चालू हुआ तो यहाँ से कुछ कमेटी जेबी ट्रस्ट के मेम्बरान मिल के कुछ लोगों ने इधर रोटी बैंक चालू किए, तो मैं जानना चाहूँगा ये रोटी बैंक चालू करने का क्या मकसद है। वालेकुम सलाम आरिफ साहब, मेरा नाम मोहम्मद सईद शेख, मैं कपाड़िया नगर में रहने वाला एक साथी हूँ। और रोटी बैंक हमने ऐसे शुरू किए कि जब लॉकडाउन हुआ और लोगों की हालत हमने देखे, बहुत बुरी हालत में थे, काम धंधा नहीं था, रोज़मर्रा जो काम करने वाले लोग थे, जो रोज़ कुआं खोद के पानी पीने वाले लोग थे, उनकी हालत बहुत दिगरगुं हो चुकी थी और बड़े परेशान हुए थे वो। तो ऐसे ही हम बैठे थे और जहन में ख्याल आया कि क्यों ना हम रोटी बैंक के नाम से एक फूड बैंक, रोटी बैंक शुरू करें और हमारे अपने मोहल्ले के साथियों को और आसपास के लोगों को हम रोटी मंगाएं उनसे। तो साथियों ने मशवरा करके ग्रुप में डाला और रोटी कॉल किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी रोटी आने लगी और उससे बहुत फ़ायदा हुआ। कुछ कुछ माँ बहनों ने सालन, चावल, खाना सब भेजा रोटी के साथ में, और अल्लाह का शुक्र है, हमने समझा था लॉकडाउन तक चलेगा मामला, लेकिन ऐसा हो गया कि हमने अपनी नीयतों को फिर से दुरुस्त किया कि क्यों ना हम ता कयामत की नियत कर ले रोटी बैंक चलाने की। अल्हम्दुलिल्लाह सब साथियों ने भी माशाल्लाह ऐसे ऐसे नगीने हमारे सामने उभर के आए जिन्होंने बेलोस अच्छी खिदमत की और पूरा पूरा दिन इन्होंने अपना वक्त दिया और खिदमत की, और रोटी बैंक को हमने शुरू किया। और जब हमने नियत को दुरुस्त किया कि ता कयामत चालू रखेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज गुज़िश्ता 3 महीने से रोटी बैंक बहुत ज़ोरों शोर से चल रहा है और बहुत से लोगों ने इसमें इमदाद किया, आउट ऑफ इंडिया और एब्रॉड से NRI लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट किए, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सारे साथियों का। और अल्हम्दुलिल्लाह जेबी ट्रस्ट जो जेबी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उनके साये में हम लोग आके बहुत काम किए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारा जो असल मकसद है ना रोटी बैंक से, सिर्फ हम हमारे मोहल्ले के अतराफ में लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं अल्लाह के फजल से, हम क्या कर रहे हैं अल्लाह ही करवा रहा है हमसे, अल्लाह कबूल फरमा ले। लेकिन हमारा मेन मकसद ये है कि किस तरीके से हर सलम एरिया में, गली कूचे में रोटी बैंक शुरू हो जाए, जैसा मालो दौलत की बैंकों का जाल है, ऐसा खाने का बैंक का भी जाल बन जाए इंशाअल्लाह। तो मैं साथियों से यही दुआ करूंगा और गुजारिश करूंगा कि हम अपनी नियत को हमेशा दुरुस्त रखें ताकि रोटी बैंक के जाल बनते चले जाए। और अचानक एक दफ़ा ऐसा हुआ, बैतुल्ला भाई के कोई ख़ास दोस्त थे, उन्होंने देखा ये खिदमत को और उन्होंने आकर आर्टिकल इनकलाब में छपवा दिया। जब वो आर्टिकल छपा तो गोवंडी से फौरन फ़ोन आया कि आपने ये जो शुरू किया है ये अंदाज़ उनको बड़ा पसंद आया, और उन्होंने हमसे मशवरा किया कि इसको आपने कैसे शुरू किया, ये कॉन्सेप्ट हमको समझाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इसहाक भाई हमारे यहाँ पे जमात के अमीर है माशाल्लाह, बड़े अजीज़ साथी हैं हमारे इसहाक भाई, उन्होंने उनको मशवरा दिया, कॉन्सेप्ट समझाया, और वो लोग गुज़िश्ता 2 से 2.5 महीना हो गया वो लोग मुसलसल रोज़ाना लंच और डिनर 3,500 आदमी 4,000 आदमी को खिला रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो हम चाहते हैं कि इस तरीके से गोविंडी में रोटी बैंक का सेकंड ब्रांच हुआ, धारावी में हो जाए, गोलीबार में हो जाए, मलाड में हो जाए, मुंबई शहर में हर जगह हो जाए। उसके लिए हर नुक्कड़ से हमको फरिश्ता सिफत इंसान चाहिए जो इसको शुरू किए करें इंशाल्लाह। तो बस यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह इस खिदमत को कबूल करे और ता कयामत जारी रखे। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया आरिफ साहब। बैतुल्ला भाई हमारे साथ में, बैतुल्ला भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लॉकडाउन तो ऑलमोस्ट अभी खुल चुका है, तो आगे आप और कैसे लोगों की खिदमत करेंगे कि लोग अब भी ज़रूरतमंद लोग आपके पास आ रहे हैं, कुछ बताएंगे इस बारे में आप? भाई आप, लॉकडाउन तो खुल गया है लेकिन लोगों की समस्याएं हल नहीं हुई है, अब भी काफ़ी लोग परेशान हैं। और जितने साथी बैठे हैं, ये हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने सईद भाई का एक मशवरा दिया और हमने उसको मतलब चालू किए। आज लोग यहाँ से घर वाले भी खाना लेके जा रहे हैं। भाई मैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे जो दोस्त सुन रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हर इंसान अपने एरिया मोहल्ले में ना ये रोटी बैंक शुरू करे, अल्लाह इसमें स्पेशल मदद भेजते हैं और लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ये हर एरिया मोहल्ले के लोग मतलब इसको शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, रमज़ान में तो काफ़ी लोग थे भाई, रमज़ान में काफ़ी लोग थे और उस वक्त तो समझो कि 500-600 आदमी तो थे और दिन रात थे, उसमें हम लोग डे में भी, शहरी में भी,
सब अफ्तारी में भी है, यानी काफ़ी माशाल्लाह की 900, 800, 600 इतने आदमी लोग आ रहे थे। उसके बाद भी कुछ लोग ईद बाद भी हुआ है, तो ईद बाद कुछ कम हुए जो लोग गांव गए हैं वो चीज़ से। लेकिन इस चीज़ में भाई मैंने देखा हूँ कि मैं छोटा सा एक बिजनेसमैन हूँ, लोग मुझको कम जानते थे, लेकिन इसमें मैंने ये देखा है कि जैसे किसी ने कहा है कि मुझको कोई जानता नहीं था, लेकिन ये लोग छू के मुझे अनमोल कर दिए। अल्लाह हू अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको छू कर अनमोल बना दे, बहुत बेहतरीन। यही था कि भाई मुझको कोई नहीं जानता था पहले, लेकिन ये टीम में जब मैं आया हूँ तो मुझको छू के लोगों ने अनमोल कर दिया, और ये मौका मुझे बहुत अच्छा मिला। मैं कभी भी इतना अच्छा काम कर नहीं पा रहा था जितना मुझे इसमें अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है भाई, यही है काम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ऐसा है कि मैं कम से कम तकरीबन 5 साल हो गया है मुझे एनजीओ चलाते हुए। 5 साल के बीच में मुझसे जो हो पाता है हम लोग उसकी मदद करते हैं, लेकिन आम टाइम में और लॉकडाउन में ये फ़र्क था कि लॉकडाउन होने से और कोरोना वायरस जैसी बीमारी आने से लोग बहुत बेहाल हो चुके थे। लोगों के पास खाने के लिए नहीं थे, लोग परेशान हो गए थे, लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे। इस बीच में ऐसा था कि हर आदमी एक दूसरे से दूर भाग रहा था, लेकिन कुछ तबका ऐसा भी था जो लोगों के करीब जाके उनकी मदद करने के लिए भी भाग रहा था। तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई अगर सभी घर में रहेंगे तो बाकी लोग तो भूखे मर जाएंगे, जो अमीर है वो तो अपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन गरीब तबकों का क्या होगा। तो भाई अपनी सेफ्टी देखते हुए हम लोगों ने ये तय किया कि भाई पूरी टीम ने मिल के कि भाई कुछ खाने के लिए कुछ लोगों के लिए बंदोबस्त किया जाए। तो शुरू में हम लोग खाने का किट बांटा कर रहे थे लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा था कि भाई खाना देने के बाद भी उनके पास बाटले नहीं है, घासलेट नहीं है, राशन नहीं है, तो वो बनाएंगे भी कहाँ। तो फिर वो हिसाब से हम लोगों ने कहा कि भाई सब लोग टीम ने पूरा मिलके ये बात हुई कि भाई हम लोग खाने के लिए यहाँ चालू किया जाए। तो हमारे इधर पे हम लोगों ने कपड़ा नगर के सामने हम पूरी टीम ने मिलके खाना बांटने का काम चालू किया। तो हम लोग बांटा करते थे खाना, तो दिन में करिए दोपहर के टाइम पे 500-600 लोग आते थे और रात में 500-600 लोग आते थे। फिर रमज़ान आ गया, रमज़ान में हम लोगों ने उसे शाम में कर दिया और सहरी और अफ्तारी करने लगे। तो ऐसे ही ये सिलसिला चलने लगा। रमज़ान में हम लोगों के भाई लोगों ने कहा कि भाई रोटी बैंक चालू की जाए, तो हम लोगों ने सबको मैसेज करके और सबको बताते हुए ऐलान करते हुए कहा कि भाई अपने अपने घरों में जो बहनें घर में अपने खाना बना रही है, जो साहिबे माल हैं, वो लोग 2 रोटी ज़्यादा बनाया करें कि भाई दूसरे गरीबों का भी उसमें पेट भर जाया करें। तो वो हिसाब से हम लोगों ने रोटी बैंक चालू किया। रोटी बैंक चालू करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस आया, लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक दूसरे की मदद की, उसमें खाना हम लोग बांट रहे थे। फिर रमज़ान के बाद ईद खत्म हुई, अभी लॉकडाउन अनलॉक 1 चालू हो गया है। लेकिन हम लोगों का सोचना ये था कि भाई ये जो खाने का सिलसिला है, गरीबी तो हमेशा ही है और ये हमेशा रहती ही है। तो हम लोगों का सोचना ये था कि भाई जब तक ये चलेगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो जब तक हम लोग इसे चलाएंगे, और हम लोगों की सोच ये है कि इसको हमेशा के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। और हम लोग का सोचना ये भी है कि भाई खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब है और हर आदमी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई रोटी बैंक ही चलाए बड़ा। हमारा कहना ये है कि भाई अपने आसपास, अपने घरों के पास, अपने मोहल्लों के पास, जहाँ भी जिसको जो भी सुविधा लगती है, 10 आदमी का, 2 आदमी का, 5 आदमी का, जिसको भी जैसा लगता है वो चीज़ चालू करे, चाहे अपने घर से बना के खिला दिया करे या लोग अपनी एक कमेटी बना के अपने हिसाब से बांट दिया करे। इससे तो ये होगा कि भाई कोई भी इंसान इंशाल्लाह ताला अपने अपने मोहल्ले के आसपास कोई भूखा नहीं सोएगा। तो हम लोग, मेरी तो यही अपील है लोगों से कि भाई हर आदमी, हर घर वाला अपने अपने घरों में 2 रोटी और 2 सब्जी ज़्यादा बनाए। वो आसपास कहीं भी अपनी कहीं पर जो जहाँ पर है वहाँ पर अपने आसपास किसी को भूखा ना रखे, मेरी लोगों से अपील है। और हमारी कमेटी जो भी है, जिन लोगों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जिनके बहुत सारे नाम है, जिसको आप ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे भाई, उनका भी हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। कुछ माएँ बहनें ऐसी हैं जो घर बैठ के भी हम लोगों के लिए खाना पहुँचाई है, मदद की है, कुछ ला के भी दी है हम लोगों को यहाँ पर, उसका भी हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और कुरला कमेटी का भी हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि वो लोग आज यहाँ हम लोगों के पास आए, शुक्रिया अदा करें। भाइयों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि रोटी बैंक वालों ने जब से लॉकडाउन चालू हुआ है कंटिन्यू लोगों की खिदमत की है, दोपहर का खाना, रात का खाना, इवन उन्होंने रमज़ान में भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने तौर से जिस तरह हो सके उन्होंने अपने लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए हेल्प की। तो मैं चाहता हूं कि बहुत से लोग ऐसे भी है जो पेमेंट करना चाहते हो, जो ज़कात फितरा जो भी देना चाहते हो, तो इनका एक अकाउंट है JB चैरिटेबल ट्रस्ट करके, आपको नीचे उसका पूरा डिटेल आ जाएगा, तो रोटी बैंक के नाम से। तो आपसे गुजारिश है कि जितना हो सके इसमें फंडिंग करें ताकि ये
सिर्फ लॉकडाउन तक नहीं चले, कंटिन्यू लोगों का इरादा है कि हम लोग लॉकडाउन ख़त्म होने के बावजूद भी गरीब ख़त्म नहीं होता है, गरीबी ख़त्म नहीं होती है, तो उन लोगों के लिए कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो आपसे जो हो सके, कोई ज़रूरी नहीं कि हज़ारों डालना है, आप 100 रुपया डालो, 200 रुपया डालो, 1000 रुपया डालो, जो हो सके इनके लिए इमदाद करें। जजाकल्ला, अल्लाह हाफ़िज़।